चल फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करते हो ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, अभी मैं देख पा रहा हूँ यूट्यूब पर काफ़ी सारा फेमस हो रहा है यूनिवर्सल फोल्डर के वीडियो देख पा रहा हूँ। तो काफ़ी सारा भाई भी है जिनको पता नहीं है जो यूनिवर्सल फोल्डर किस किस फ़ोन में सपोर्ट करता है। और अगर आप नए नए मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप ओपन किए हो और आपको डिस्प्ले का नॉलेज नहीं है, आपको कौन सा फोल्डर रखना है और कौन सा फोल्डर आपको नहीं रखना है, कौन कौन सा फोल्डर रखने से आपका फ़ायदा होगा और कौन कौन सा फोल्डर रखने से आपका पैसा ब्लॉक नहीं होगा, ठीक है, पैसा आपको ब्लॉक नहीं होगा, मैं आपको बोलने वाला हूँ आज के वीडियो में। अगर आपको पास कोई नॉलेज नहीं है, आप एकदम न्यू हो, ठीक हो, आपको कुछ भी पता नहीं है किस तरह चेक किया जाता है, तो आपको पता कहाँ से होगा एक फोल्डर दो फोन में कैसे लगता है, सारी चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और मैं किस तरह से मेंटेन करता हूँ और मैं किस तरह से रखता हूँ अपना दुकान में फोल्डर, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपके पास कोई फ़ोन आता है, आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा। सबसे पहले सोचिए, आपको रियलमी C11 का एक फ़ोन आ गया, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, आपके पास फोल्डर कोई भी नहीं है, जो बगल में आपको होलसेलर वाला दुकान है, आप वहाँ पर जाते हो फोल्डर लेने के लिए, भागते हो, ठीक है। आप जाके क्या बोलते हो, भाई रियलमी C11 का एक फोल्डर दीजिए। लेकिन आपका अगर नॉलेज रहेगा जो रियलमी C11 कौन सा फ़ोन में सपोर्ट करता है और ए मॉडल रखने से कौन कौन सा मॉडल में और सपोर्ट करेगा, वो आप किस तरह चेक कर पाओगे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, आपको किसी से पूछने का ज़रूरत नहीं है, किसी का वीडियो देखने का ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपके पास फ़ोन है ना, ये जो फ़ोन देख पा रहा हूँ आपको, अगर आपके पास फ़ोन है तो आप इस फ़ोन से पता कर सकते हो, किस तरह से मैं अभी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका, सबसे पहले मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैंने देखिए, एक फ़ोन का मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड ओपन कर दिया। सिंपल से आपको गूगल पर जाना है, देखिए गूगल पर मैंने गया, जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है रियलमी C11, इस पर लिखना आपको यूनिवर्सल कॉम्बो, इस तरह से आपको लिखना है यूनिवर्सल कॉम्बो, आपने लिख दिया मॉडल के साथ, आपको सर्च करना है। जैसे सर्च कीजिएगा, ए यूनिवर्सल मॉडल जो आपको रियलमी C11 में लगता है और कितना मॉडल में लगता है, सारे आपको पता चल गया। देख पा रहे यहाँ पर लिखा है साफ साफ, आपको रियलमी C11, C12, C15, ए ओप्पो A15, A15S, 16K, Narzo 20A, ये सब सारे मॉडल में सपोर्ट करेगा। तो आपको क्या करना है, अगर आप ये वाला फोल्डर रखोगी आपका दुकान में, सबसे तो पहले तो बात है, ये जो फोल्डर है रियलमी C11 का, ये इतना सारा मॉडल में सपोर्ट करेगा और एकदम रनिंग है, ये तो चलता चलता है, आपका पैसा ब्लॉक नहीं होगा। अगर आप इस तरह से फोल्डर चेक करके आप अगर दुकान पे स्टॉक करोगे, आपको कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो कभी भी फ़ोन आए आपका पास तो सिंपल से आपको इस तरह से चेक करना है। सोचिए आपको रियलमी 7 हो गया, रियलमी 7 यूनिवर्सल कॉम्बो, सिर्फ यूनिवर्सल कॉम्बो लिखना है और आपको गूगल पर जाकर सर्च करना है। देखिए मैं सर्च किया, यहाँ पर क्या क्या आ गया, रियलमी 6, देखिए रियलमी 6, रियलमी 7, उसके बाद आपका ये हो गया। इस तरह से आप चेक कर लेना, कोई भी अगर आपको फ़ोन आपके पास फ़ोन आए तो आप पहले चेक कर लेना, जे ऐसा नहीं हो आपके पास फोल्डर पड़ा हुआ है लेकिन आपको पता नहीं है, जो सपोर्ट करता है कि नहीं करता, कस्टमर का घुमा भी दिया और अगला के पास भी गया, जो आपका पास रेट है उससे भी थोड़ा ज़्यादा ले लेता है, ठीक है। तो आपको इस तरह से चेक कर लेना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जे मैं किस तरह से रखता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप फोल्डर स्टॉक करना चाहते हो, थोड़ा मोड़ा अपने दुकान के लिए रखना चाहते हो, तो सबसे पहले आप इस तरह चेक कर लेना जो कौन सा फोल्डर आपका दुकान में ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, उससे आपको इसे सर्च कर लेना। जैसे कि हो गया आपका ओप्पो A3S, ठीक है, यूनिवर्सल कॉम्बो, ये मैंने लिखा। तो देखिए ए सेटअप अगर आप रखोगी ए वाला फोल्डर, तो इसमें आपको 3-4 मॉडल में सपोर्ट कर लेगा। देखो ओप्पो A3S, A5, Realme 2, C1, ये सब सारे में ये सपोर्ट करता है। तो आपको इस तरह से पता चल जाता है, आपको किसी से पूछने का ज़रूरत भी नहीं, ठीक है। तो इस तरह से अगर डब्बा में आप लिख के रखिएगा तो बहुत आसान होगा आपको ढूंढने में। अभी आपको दिखाता हूँ किस तरह से आपको चेक करना है। तो फ्रेंड, अभी जो आपको दिखा रहा हूँ, तो देखिए मैं इस तरह से लिख के रखता हूँ, देखिए इस पर आपको इस तरह से लिख के रखिएगा, 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 आपको काफ़ी सारा हेल्प होगा, ठीक है। अगर आपका दुकान में कस्टमर आता है तो आप इस तरह से फट करके आपको पता चलेगा भाई ये मॉडल इतना सपोर्ट करता है, ठीक है। देखिए इस तरह से लिख के रखिएगा, ये सारा मॉडल है ये सपोर्ट करता है, तो आपको इस तरह से लिख के रखना है, ठीक है। तो फिर मैंने आपको सारी चीज़ दिखा दिया, इस तरह से काम कीजिएगा, कोई आपको तकलीफ वगैरह आने वाला नहीं है, ठीक है।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।